25 की पावर 14 की तरह। इसको हम अगर सिंपल सॉल्यूशन करना चाहें, इसका आंसर निकालना चाहें, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें निकालना है, क्या करेंगे, 4 की पावर 52 है, इसको हमें स्पेंड करके सेम पावर बनानी है, क्या बना सकते हैं, 4 की पावर 3 प्लस 49 मल्टीप्लाई 25 की पावर 49, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, पावर सेम है यहाँ पे हमारी, ये हमने कर दिया, हम इसको स्पेंड कर देंगे 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 49 मल्टीप्लाई 25 की पावर 49, ये हो गया हमारा। अब इसमें आगे क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारा लॉ लगा है, यहाँ पे एक सिंपल ए एम ब्रैकेट ए एम इक्वल टू ए एन प्लस एम, ये हमारा यहाँ पे लग गया वहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को, ये सेम है हमारा 4 मल्टीप्लाई 25 की पावर 49, ये हो गया हमारा 4 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 की पावर 49, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 की पावर 3 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 ब्रैकेट 49, ये हो गया हमारा। अब एक हमारा लॉ होता है ए एन ब्रैकेट एम, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 98, 4 की पावर 3 खोल देंगे 64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 98, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, पर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट होता है, तो यहाँ पे कई पॉइंट नहीं होते तो एंड नहीं होते, यहाँ से हम बीच में ला रहे हैं पॉइंट, एक डिजिट आई तो यहाँ पे एक डिजिट प्लस हो जाएगी 10 की पावर 98 प्लस 1 और 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 99, ये हो गया हमारा सोल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपल। ये आज की वीडियो देखते हैं, जिन्होंने मेरा तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जाके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, और इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, थैंक यू। Thank you.